शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बैठिए ना। जनाब, आपका कर्जा उतारने आया हूं। मुझे तो याद भी नहीं आपने मुझसे कब कर्जा लिया था। कर्जा मैंने नहीं, मेरे बाप ने लिया था। किसकी बात कर रहे हो? मैं वही ओबराई हूं और उसी खुददार आदमी का बेटा जो कभी किसी का बकाया नहीं रखता। संभाल के। टेक केयर। शराब छोड़ दूंगा कल, अभी तो पीने दे। शराब छोड़ दूंगा कल, अभी तो पीने दे। तू मुझको आगे से के सहारे जीने दे। तू मुझको आगे से के सहारे जीने दे। शराब छोड़ दूंगा कल, अभी तो पीने दे। शराब शराब छोड़ दूंगा कल। जीऊं तो किसके लिए, कौन मेरा अपना है। मेरे नसीब में अब हर घड़ी
शराब छोड़ दूंगा कल अभी तो पीने दे, शराब छोड़ दूंगा कल अभी तो पीने दे, तू मुझको आजे से के सहारे जीने दे, तू मुझको आजे से के सहारे जीने दे, शराब छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा कल। जैक देखना जिंदा या मर गया। जी सर देखता हूं। होश में आ गए बच्चे? अरे भाई मरने के लिए तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी, और जब छिलती नहीं है तो इतनी दारू क्यों पीते हो? रात भर गायब हो, तुम्हें जानने वाले परेशान हो रहे होंगे, सोचा उनके बारे में है? लाओ मुझे बताओ, मैं इन्फॉर्म करूं उनको। अरे बोलो, अरे भाई तुम्हारा कोई जानने वाला है भी या नहीं? अबे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, कुछ गलत कह रहा हूं क्या मैं? अरे कुछ तो बोल, मुंह की कुंडी खोल। कमाल है, ठीक है तो शाम तक आराम करो, मैं चलता हूं अभी।
अच्छा अगर किसी चीज की जरूरत हो तो घर में रामू है, उसको बोल देना, वो दे देगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मिलते हैं। जैक, उस लड़के को बुलाना जरा। जी। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी बहुत हूं, पर मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी अपने अतीत को भुला नहीं पा रहा हूं। ऐसी कौन सी फुलझड़ियां चल गई हैं तुम्हारी जिंदगी में जिनकी चमक को तुम भुला ही नहीं पा रहे हो? क्या बताऊं साहब, मेरे अतीत ने मुझे कुछ ऐसे गहरे जख्म दिए हैं कि जब तक मैं उन जख्मों का हिसाब नहीं ले लेता तब तक मेरे सीने में मेरे अतीत की आग यूं ही जलती रहेगी। बैठो बैठो। राज, क्या बात है, घर में तो कोई है ही नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी शादी के खिलाफ हैं सब। अब यही तुम्हारा आशियाना है जिसे तुम्हें सुंदर रूप देकर ख्वाबगाह बनाना है। कोई बात नहीं राज, मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी। प्रणाम मम्मी जी। एक तो जबरदस्ती घर में घुसाई है और ऊपर से अच्छा बनने का नाटक कर रही है। तू क्यों उनके मुंह लगती है, पर तुम्हें भी चैन नहीं है। मैं उन सब को मना किया है कि उनसे कोई मतलब नहीं रखेगा। एक घर में रहेंगे तो आमना सामना तो होगा ही। ठीक है, उन लोगों से जितना दूर रहोगे तुम लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है। माँ, अब शादी करके तो आ ही गया, पता नहीं खाना वगैरह बनाने का सामान है भी कि नहीं। आप चुपचाप एक स्टोव और थोड़े बर्तन दे दो, इनको पता ना चले वरना हम दोनों पर चिल्लाएंगे। मैं नहीं देती, सुरेश को पता चलेगा तो हम दोनों पर चिल्लाएगा। चुपचाप दे दीजिए, हम दोनों को ही तो पता है, हम नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, जब सुरेश फैक्ट्री चला जाएगा तो दे देंगे चुपचाप। समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे चलेगा। भाई साहब ने तो मुझे फैक्ट्री आने के लिए मना कर दिया है, मैं बाहर जाके कोई दूसरा काम ढूंढता हूँ, क्योंकि जो पैसे थे उसमें ज्यादातर तो शादी में लग गए, सिर्फ 2,000 रुपए बचे हैं, उसमें जिंदगी कब तक चलेगी। कोई बात नहीं राज, सब ठीक हो जाएगा, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। तुम एक काम करो, जाकर मेरा नाश्ता बनाओ, फिर मैं उसके बाद में कोई काम ढूंढता हूँ। जी। भाई साहब, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए, सुनने में कोई हर्ज तो नहीं। हाँ बोल, क्या कहना है? एक तो आप मुझे फैक्ट्री में आने नहीं देते, दूसरा बाहर कोई मुझे काम देता नहीं, मुझे भी तो अपना परिवार चलाना है, क्या करूं मैं, क्या करूं? उसी लड़की को बोल जिससे शादी की है। अरे जब शादी की है तो नौकरी भी लगवा देगी, वही जहाँ उसका बाप मजदूरी करता है वही जाके तू भी मजदूरी कर लेना। ठीक है, अगर बात ऐसी है तो मुझे आप दोनों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 20-25 हजार रुपए का बंदोबस्त कर दीजिए जिससे मैं कोई अपना काम शुरू कर सकूं। मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी है और न ही नोट छापने की मशीन लगा रखी है। अब गुस्सा मत कीजिए राज, तुम अभी जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है भाभी। अब उसने शादी तो कर ही ली है, अब आगे क्या करना है? करना क्या है, कमाएगा खाएगा और क्या। लेकिन भाई साहब, उसे काम करना तो कोई आता ही नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। सुनिए भाई साहब, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उसने तो जो करना था वो कर ही लिया, लेकिन हमारी नाक तो कट गई और मुझे तो उसने ससुराल में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। सब लोग घूर घूर कर देखते हैं
और अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। हम तो जवाब देते देते थक गए हैं, अब तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। कोई बात नहीं राज। हाँ हाँ माँ। राज तुम्हें वो वीरेंद्र बुला रहा है। चलिए। जीजा जी बुलाया आपने? हाँ राज बैठो, तुमसे बात करनी है। देखो राज, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, और तुमने अपने हिसाब से जो किया वो ठीक किया, लेकिन हमसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो वो सब पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने आपसे थोड़े से पैसे ही तो उधार मांगे थे, कोई पूरी जायदाद थोड़ा ना मांगी थी। जायदाद का नाम मत लो, वो तुम्हारी कमाई हुई नहीं, मेरे पति की कमाई हुई। मैं भी उसी पति का बेटा हूँ, मेरी रगों में भी वही खून है, क्या इस जायदाद पे मेरा कोई हक नहीं? निकल जाए यहाँ से, बड़ा आया जायदाद मांगने वाला। मुझे नहीं मालूम, या तो मुझे कुछ पैसे दो जिससे मैं कोई काम कर सकूं, या मुझे मेरा हिस्सा दो। तू यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू अपनी टांगे तोड़वा कर मानेगा। बस भाई साहब, अब और नहीं। वाह क्या परिवार है, क्या माँ हो आप। क्या किया है मैंने, अपनी मर्जी से शादी तो की है, इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी है? आज तक इन्होंने आपके फैक्ट्री में आपका साथ दिया, क्या इनका इतना भी हक नहीं है कि अपना हक ले सके? तुमको किसने हक दिया हमारे बीच में बोलने का? मैं इनकी पत्नी हूँ, और मेरे सामने कोई मेरे पति को मारे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना आप लोगों ने? इसे लेकर जा यहाँ से। चलो राज, तुम भी किन लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो? भाई राज के बारे में क्या सोचा है? तुझको लगता है कि अपनी प्रॉपर्टी संभाल पाएगा? कुछ ही दिन में सब बेच बाज कर तहस नहस कर देगा। तो फिर क्या करना चाहिए? पहले तू ये बता, तुझे अपने भाई पर भरोसा है कि नहीं? भाई आप भी कैसी बात करते हो, पिताजी के जाने के बाद आप ही ने तो हमारे बाप की जगह ली है। तो ठीक है, हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी के चार हिस्से करते हैं, पहला तेरा, दूसरा मेरा, तीसरा माजी का, और चौथा राज का। और हाँ, अपने हिस्से के बारे में अपने ससुराल वालों को मत बताना, और ना ही वीरेंद्र को। ठीक है भाई। तो ले इन पेपरों पर साइन कर। इसमें यह लिखा है तू अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे सुपुर्द कर रही। अब क्या करोगे? सब लोग चाहते हैं कि उसका हिस्सा उसको दे दे। हिस्सा तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर उससे बंटवारा करोगे तो बुढ़िया किसके हिस्से में आएगी? अरे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। देखते हैं। रात ज्यादा हो गई है, चलो सो जाते हैं। शाबा डेरी आइए भाई साहब, आइए। शाबा डेरी आइए। शाबा डेरी रिठाला, शाबा डेरी आइए आइए आइए। अरे भाई रुको, कहाँ जा रही है? शाबाद शाबाद। चल 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 चल, निकाल ले आगे स्टॉप पे निकाल ले। दिलशाद गार्डन वाले चल आगे साइड में लगा। अरे रोहिणी वाले आ जाओ भाई, सारे जो उतरने वाले रोहिणी वाले। अबे साइड दे। हाँ भाई साहब पैसे दो, कहाँ जा रहे हो आपने? पैसे किस बात के हैं? आपने कहा था थोड़ी देर में देंगे। ले लियो सामने। अरे भाई चलना। अरे क्या बात कर रहे हो, पैसे दो। दारू पी रखी है के? रे तू मन ने पिलाने वाला है। पैसे दो। ले तो आइयो इस रोड पे। हाँ ठीक है चलो चलो। आइयो फिर, खातिरदारी करता रोहिणी वाले। चलो
चल भाई आगे निकाल ले, रिठाला 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 रिठाला, अरे चल जल्दी कर निकाल ले। हाँ रिठाला 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 शाहबाद वाले। हाँ भाई रिठाला वाले आ जाओ, रिठाला वाले चलो भाई आ जाओ सारे। अरे देवी यार। हाँ भाई। मालिक पैसे दे नहीं रहा है, तेरी भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। भाई ज्यादा तबीयत खराब है क्या? भाई समझ सकता है, तुझे बताया था यार। भाई मेरे दौरे तो 100 रुपए ही बड़े हैं, पहले रख ले यार। 100 रुपए है, चल ठीक है, कोई बात नहीं यार, शुक्रिया भाई। चल गाड़ी साइड में लगा, मैं निकलता हूं। ठीक है भाई, कुछ होगा तो मैं तेरे को फोन करूंगा एक बार। ठीक है, ठीक है भाई। आज बहुत पेन हो रहा है, हम कब डॉक्टर के पास पहुंचेंगे? बस पहुंच गए भैया, थोड़ा जल्दी करो ना। बस पहुंच गए, आ गए। आराम से संभाल के। लो भैया। राज जल्दी करो ना। हाँ चलो। आराम से संभाल के। मेरी बीवी को लेवर पेन चालू हो गया है। आप फॉर्म वगैरह भर दीजिए और एडमिट कर दीजिए, ठीक है? चलिए आप लेबर रूम में आइए। संभल के आराम से। संभल के। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। गौरी, ये कुछ पैसे हैं, आज जो काम मिला दिन भर का, उससे बस यही बचा पाए मैं। बस इतने? इन पैसों से क्या करूं, बच्चों को दूध पिलाऊं या घर चलाऊं? गौरी आज के जमाने में काम मिलना कितना मुश्किल है, अब जो काम मिलेगा उसी से तो काम करके पैसे बचा के लाऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर तो रहा हूं ना हमें और हमारे परिवार को पालने की, अब इससे ज्यादा आगे क्या करूं? आखिर कब तक? मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी तुम्हें पता है आज मैंने स्कूल में फिर से टॉप किया है और मुझे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन मम्मी प्रिंसिपल सर ने कहा है कि स्कूल में कुछ पैसे जमा करवाना पड़ेगा। स्कूल में पैसे? कितने पैसे जमा करने होंगे? 10,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। 10,000 रुपए? हाँ मम्मी। तुम परेशान ना हो, हम कुछ इंतजाम करते हैं। चलो खाना खाते हैं। ठीक है। अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? हाँ पहले खाना तो खा लीजिए। नहीं पहले तुम बोलो, जब तक तुम बोलोगी नहीं मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। आज करण को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और स्कॉलरशिप भी, पर 10,000 रुपए जमा करने होंगे। अरे करण जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मम्मा मम्मा मैं स्कूल कब जाऊंगी? अब भैया को स्कूल भेजते हो, मुझे भी स्कूल जाना है और डॉक्टर बनना है। बेटा आप बहुत जल्दी स्कूल जाएंगे। राज अब बच्चों के सवालों के जवाब मुझसे नहीं दिए जाते। गौरी मैं क्या करूं, मेरा नसीब ही खराब है, सोने पे भी हाथ डाल दूं तो मिट्टी हो जाता है, मुझे भी तो मेरे बच्चों का भविष्य प्यारा है। चलो करण।
नव्या? जी पापा। क्या बात है बेटा, कॉलेज नहीं गई आज? टाइमिंग क्या है क्लास की? बस मैं तो जाने के लिए तैयार ही हूँ पापा, 9:30 बजे की क्लास है मेरी और अभी तो 8:30 बजे हैं पापा। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के जाया करो, वैसे भी आजकल बाहर की हवा कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। पापा आप चिंता मत करो, और वैसे मैं भी तो बेटे जैसी हूँ, आप तो बस ये सोचो कि आपके एक नहीं 2-2 बेटे हैं। अरे करण। जी पापा। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, कभी घर पे भी रहना सीखो। क्या पापा, जब देखो हमेशा टोकते रहते हो, कभी कभी तो यहाँ आता हूँ, अपने दोस्तों से भी ना मिलूँ क्या? और वैसे भी अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ठीक है ठीक है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन नव्या को पहले उसके कॉलेज छोड़ते जाओ। ठीक है, चल नव्या चल, तेरे को क्लास छोड़ता चलूँ, जब देखो तब टोकते रहते हैं बेमतलब में। चाय। अरे करण, आजकल तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं। तुम्हारी माँ बता रही है आजकल तुम कॉलेज नहीं जा रहे, बल्कि किसी थिएटर वेटर के चक्कर में लगे पड़े हो। देखो ये एक्टिंग वैक्टिंग सब बेकार की बातें हैं, और अगर नहीं पढ़ना तो काम धंधे पर ध्यान दो। पापा मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्टर बनना चाहता हूँ। वैसे भी इस चीज़ में क्या बुराई है, एक बार मैं सक्सेस हो गया ना इस लाइन में, तो इस लाइन में फिर इतना पैसा है जितना मैं सोच भी नहीं सकता। देखो मेरी तरफ, क्या हालत हो गई है मेरी, अगर तुम भी नहीं सुधरे तो मेरे मरने के बाद या तो तुम भीख मांगोगे या कुछ गलत काम करोगे। जब देखो तब बोलते रहते। अरे आप भी ना, मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, लेकिन आप तो उसे उल्टा काम के लिए बोलने लगे। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है जो काम धंधे के लिए सोचे। यार मैं भी क्या करूं, मैंने हमारे बच्चों के लिए हर कोशिश करके देख ली, पर चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हिम्मत मत हारो राज, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा, हर तरफ हर जगह हर रास्ता बंद ही नजर आता है। मैं चाहता था किसी तरीके से हमारी नव्या डॉक्टर बन जाए, हमारे करण की फिल्म पूरी हो जाए, लेकिन अब तो बस हर तरफ सारे रास्ते बंद ही नजर आते हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जिनकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है, भगवान उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। मेरा तो भगवान पर से भरोसा ही उठ गया है, अगर उसमें जरा सी भी जान होती ना तो वो हमारी भावनाओं को समझता, मेरे लिए वो सिर्फ पत्थर है पत्थर। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। सुनो गौरी, हालात तो बस से बाहर होते जा रहे हैं, लेनदारों के फोन भी आने शुरू हो गए, समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, शर्मा जी के आदमी मिले थे, धमकी दे रहे थे कि अगर जल्दी उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस टाइम कौन होगा, तुम रुको मैं देखता हूं। कौन? अरे अरे कौन हो तुम लोग, और जबरदस्ती घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? चुप, अगर ज्यादा हल्ला मचाया ना तो दोनों को गोली मार दूंगा। और तूने क्या सोचा, भाई का सारा पैसा हजम कर जाएगा? एक गोली गई ना अंदर, सारा माल बाहर आ जाएगा। बेटा मैंने पैसे देने के लिए मना थोड़े किया है। अरे बुढ़ऊ, मना नहीं किया तो दिया भी तो नहीं। भाई हम जल्दी तुम्हारा पैसा दे देंगे, बस थोड़े दिन की मोहलत तो दे दो। मोहलत बहुत दे दी। क्यों बुढ़ऊ, मैंने सुना तेरी एक जवान लड़की भी है, मैं तो कहता हूँ भाई से उसकी शादी करवा दे, तेरा सारा कर्जा ऐसे ही माफ हो जाएगा। नहीं नहीं भैया ऐसे मत बोलो। तो गलत क्या बोला, सिर्फ 10 दिन, अगर 10 दिन में पैसे वापस नहीं किए ना तो भाई अपने तरीके से निकलवाएंगे। चल चल भाई। आगे बेटा। हाँ जी। मम्मी कहाँ है पापा? किचन में है बेटा। बड़ी मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है, कुछ बन रहा है या कोई मेहमान आने वाला है पापा? नहीं रे, बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा आज बच्चों की इच्छा पूरी कर दो, वैसे भी कुछ दिनों से अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी करण को आ जाने दो, फिर सब साथ मिलकर खाएंगे। तुझे मालूम तो है उसका कोई भरोसा है, देर रात तक लौटता है।
ठीक है माँ, फिर हम करण के लिए छोड़ देते हैं और हम लोग तो खाएं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। यम्मी मम्मा, इट्स वेरी टेस्टी। आप भी लो मम्मा। टेस्टी है ना पापा? माँ, नव्या, पापा, माँ, नव्या, पापा, माँ, पापा, बाबा, माँ, नवे, 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 उठ, नवे, बाबा, 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 माँ, सुरेश बाबू, तुम फिर भी तुम बेशर्मो कि बेशर्मो की तरह सर उठा करके मेरे परिवार की बर्बादी का तमाशा देखने चले आए, और तमाशा तुझे मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा तुझे परिवार की बर्बादी क्या होती है। जहां मेरा परिवार पड़ा है, कल यहां पर तेरा परिवार पड़ा होगा, और तुझे भी यह एहसास होगा कि परिवार की बर्बादी और मौत क्या होती है। सुरेश बाबू, वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो बदलता बहुत जल्दी है। मैं अपने परिवार की कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ अपने मरे बाप की, अपने मरे माँ की, इन छोटे नन्हे हाथे वाली मेरी बहन की, जो मेरी कलाई पर राखी बांधते थे, कि तेरे परिवार को यहाँ लाके खड़ा करूंगा, लाके खड़ा करूंगा। से मैं अपने और अपने परिवार के दुश्मनों का भाग्य विधाता कहलाऊंगा। हम मैं हूं भाग्य विधाता, हम मैं हूं भाग्य विधाता, हम मैं हूं भाग्य विधाता। समझ गए करण, तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। कैसा सौदा साहब? मेरे पास तो ना आप कुछ बेचने के लिए बचा है और ना ही कुछ सौदा करने के लिए। वो सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारे अंदर कुछ तो है जिसका सौदा किया जा सकता है। ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हैं तो सही होगा ही। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। हाँ हाँ, हो जाएगा। वो तो है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ, कंस्ट्रक्शन पूरा होते ही भेज दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अब बिल्कुल बिल भिजवाता हूँ। हाँ हाँ, टेंशन मत ले, हो जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा। जय हो भोलेनाथ।
बैठो बेटा। जैक को भेजो। ओके सर। अंदर आ सकता हूँ सर? अरे आओ ना जैक, तुमको कब से जरूरत पड़ने लगी अंदर आने के लिए इजाजत मांगने की? ऐसा नहीं है सर, रूल सबके लिए बराबर है। अच्छा, ये करण आज से हमारे साथ काम करेगा। मैंने सब कुछ समझा दिया, बाकी तुम समझा देना। और इसके बैठने का इंतजाम करो अपने बगल वाले कैबिन में। जी सर, आओ चले। आओ करण, तुम्हें ऑफिस के स्टाफ से मिलाता हूं। रंजना जी, ये है रंजना जी, हमारे पूरे ऑफिस की अम्मा हैं ये। रंजना जी, ये है करण, आपका नया बेटा। कितनी खुशकिस्मत है ना आप, हाँ? आपको पले हुए बच्चे मिल जाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, आओ। गीतिका? जी सर। ये करण है? जी। इसका आज से ख्याल तुम रखोगी? ओके सर। पहले तो इसका हुलिया चेंज करो। हम हैं तुम्हारे, तुम हमारे, कह दो ना एक बार।
है यार, क्या बात है यार, ये तो पूरी बिंदास है, बिंदास। अबे हाँ। प्लीज मुझे जाने दो। भाई फिर अटैक कर दे क्या? प्लीज। अबे भाई उठा ले इसको, उठा ले। क्या लग रही है यार? प्लीज। पानी में तो और खूबसूरत लग रही है। मुझे छोड़ दो। भाई देरी किस बात की है? क्या हुआ भाई, लड़की को क्यों छेड़ रहे? लड़की को क्यों छेड़ रहे? ओए, तेरी क्या बहन लगती है? मेरी तो जो लगती है वो लगती है, पर अब तेरी भी बहन लगती है। भाई पहले इसी को ले लेते। भाई तुम लोग रुको, इन चूजों के लिए तो मैं अकेला ही काफी। हेलो। देखो मिस्टर ओबेरॉय, करण ने अपना पहला इंतकाम पूरा कर लिया। अब देखो धीरे धीरे कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में इंतकामों के लेंगे। बस तुम इन इंतकामों को देखने के लिए जिंदा रहना। पापा, पापा क्या हुआ बताओ ना। बेटा सुरेश बताओ तो सही, क्या हुआ? कुछ कहते क्यों नहीं, आखिर हुआ क्या? अर्जुन को रेप केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या, क्या? साहब फोन छीनने के केस में आ रहा है। कारे पिद्दी से अभी जमीन से निकला भी ना है और फोन छीनने चालू कर दिए। साहब मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी का फोन नहीं छीना। सभी मुजरिम ऐसे ही कहते हैं, डाल दे रहे इसने लॉकअप में, रेपिस्ट क्यों धर रहे। चल चल। इंस्पेक्टर साहब आप लोग किस लिए आए हो? सर हम आकाश के लिए आए। कौन आकाश, वो रेपिस्ट? मेरा बेटा रेपिस्ट नहीं हो सकता सर। इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा आकाश आईटी इंजीनियर है, वो रेपिस्ट कैसे हो सकता है? क्यों भाई, आईटी इंजीनियर रेपिस्ट नहीं हो सकते? मेरे भाई को किसी ने झूठे इल्जाम में फंसाया है। अभी ये फैसला तो कोर्ट ही करेगी। अब आपके लिए यही ठीक है, कोई अच्छा सा वकील करो और उसकी जमानत का इंतजाम करो। सर उससे एक बार हम तो मिल सकते हैं ना? अरे जयवीर। हाँ जनाब। इन्हें लोग कब ले जाके मिलवा दे। जी जनाब आओ। आकाश, 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 आकाश। केतन। आकाश। पिताजी, दादी माँ, मुझे झूठे रेप के केस में फंसाया गया है दादी। मुझे पता है बेटा, तू घबरा मत, मैं बहुत जल्द बड़े से बड़ा वकील करके तुझे यहाँ से छुड़ा लूंगा, घबरा मत। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, तुझे जल्द से जल्द हम छुड़वा लेंगे। काजल इतनी रात में कहां से आ रही तुम? कहीं से नहीं पापा। मैं बताता हूँ पापा, ये हमारे उस दुश्मन करण से मिलकर आ रही है। केतन जो कह रहा है वो सही कह रहा है काजल? हाँ, क्योंकि आज मेरा खुद का परिवार मेरा दुश्मन बन गया है। उन्हें मेरी खुशी की परवाह है, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि राजन से मेरी शादी करवाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने माँ बाप के सामने बेशर्मी से आवाज उठाओ? देखा पापा, आज उस आदमी की वजह से ये कितनी बेशर्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस आदमी के साथ आप लोगों का रिश्ता क्या है, जो उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। लेकिन अब मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस बार उसने मेरे घर में घुसने की कोशिश की है।
देखो कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हेलो आकाश भैया, आकाश 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 भैया, मेरा बच्चा आकाश, आकाश भैया मम्मी क्या हो गया? हराम खोर, किसने मारा मेरे भाई को? बता किसने मारा? कैसे मरा मेरा भाई? कैसे मरा आकाश? किसने किया ये? किसने किया मेरे भाई के साथ ऐसा? आकाश आकाश आकाश, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। आकाश 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 आकाश, उठना मेरा भाई। मैंने क्या कहा था तुझसे? मेरा बेटा रेपिस्ट नहीं हो सकता मम्मी, मेरा बेटा रेपिस्ट नहीं हो सकता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। आंखें खोल आकाश, उठना मेरे भाई। आकाश आकाश मैं जानता हूँ ये सब करा धरा उस हराम जादे करण का है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो हमें बर्बाद में बर्बाद किए जा रहा है और आप लोग मुझे बताते नहीं। आप एक बात बताओ, उस जमीन की इस टाइम लेटेस्ट मार्केट वैल्यू क्या है? यही कोई 50 करोड़। 50 करोड़ तो तब होगी ना जब वो जमीन खाली होगी, अभी तो वो जमीन मुर्दे का माल है। तुम कहना क्या चाहते हो? वक्त आने पर वो भी पता लग जाएगा राणा साहब। Hey God, you want that something is a better of nothing, yeah? The Indian people are. महफिल में आज ऐसा ही शबाब आया है, लेके खुशबुओं के साथ एक गुलाब आया है। छलो चमक छलो है मेरा नाम बाबू, दिल वालों को कर दो गुलाम बाबू, दिल वालों को कर दो गुलाम बाबू।
सुखों में चले, चल हट ओ मन चले, उसमें गुबार है, इश्क का बुखार है तू, ओ बात मेरी जो, ओ बात मेरी जो तूने ना मारी, जाएगी तेरी ये जवानी, ओ डल जाए चमक छल्लो है मेरा नाम बाबू दिल वालों को कर दो गुलाम बाबू दिल वालों को कर दो गुलाम बाबू चमक छल्लो चमक छल्लो चमक छल्लो चमक छल्लो चलो है तेरा नाम रानी मैं अंगूर है तू मेरी अनार दानी मेरे सीने में सिगड़ी के आग राजा अब जादू में तेरा बैंड बाजा सतीरा अठीरा की तेरी जवानी 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 क्या रे लौंडे कौन है तू क्या गजब सी बिजली है तेरे बदन में मैं तुम सबका बाप हूँ हाँ? अभी तक तूने बिजली देखी का है सुन अगर कल सुबह तक तू अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से नहीं भागा तो तुझे बिजली की चमक मैं दिखाऊंगा देखो लौंडे के We'll be right back.
अरे कल का लौंडा अपने आदमियों को मार रहा है और तुम लोग खा खा कर सो रहे हो, उठो रे। कहा था ना तुम सबका बाप, पर तो समझ में नहीं कैसा लग रहा है। ये सारा कचरा यहां से साफ कर दो और राणा साहब को इन्फॉर्म कर दो। गीता जी। जी आज मार्केट में सीमेंट रेट क्या चल रहा है? 400 रुपए। और हमारे पास कब कितने बैग किए? 50,000 बैग। इस हिसाब से अगर हम 25 रुपए बैग बढ़ा के मार्केट से लेते हैं तो हमें कितने का नुकसान होगा? बारह लाख 50,000। तो ठीक है, उन्हें फोन लगाओ और ऑर्डर प्लेस कर दो। उन्हें बोलो हम बाजार से 25 रुपए बढ़ा कर देंगे और साथ में पूरा पेमेंट एडवांस देंगे। क्या आपने राणा साहब से पूछा इस बारे में? तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो, बाकी राणा साहब से मैं खुद बात कर लूंगा। मगर अगर वगर कुछ नहीं, जितना कहा गया सिर्फ उतना ही करो। सारे फैसले मिस्टर करण करेंगे। एनी ऑब्जेक्शन? किसी को कोई आपत्ति? नो सर। थैंक यू। सो एंजॉय योर न्यू सीईओ। आई टेक द लीव। करण कांग्रेचुलेशंस, टेक योर सीट प्लीज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। से तुम दोनों हाँ सर करण के साथ रहोगे। क्यों? ओके सर। पूछो क्यों? अबे इतना दिमाग भी नहीं लगा सकता क्या? उसकी एक एक मिनट की रिपोर्ट कौन देगा? मेरे तो विश्वास ही है तुम लोग हो ना। हाँ। जाके रहो उसके साथ, पूरी रिपोर्ट चाहिए मेरे को। ओके सर। चल बुढ़ा तो पागल है यार।
कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो ठीक है डॉक्टर साहब। यार ये जो नया सीईओ आया है ना, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों, उसने कुछ कहा क्या? कहा तो कुछ नहीं, पर ये जो उसका बिहेवियर है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ तो हुआ है। नहीं यार, कल उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया था और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो तुमने केतन का कुछ बताया नहीं? नहीं यार, तुझे तो पता है कि मेरी और केतन की एंगेजमेंट हो चुकी है, बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। तो लेकिन फिर भी वो मुझ पे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। यार तुझे कुछ गलतफहमी हुई होगी। नहीं, डर लगता है यार कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैडम आपको सीओ साहब ने बुलाया है। ठीक है, ओके। ठीक है यार, लंच पे मिलते हैं। ओके। May I come in, sir? Coming. अरे आपको परमिशन की कब से जरूरत पड़ गई? बैठिए। आखिर आप हमारे CEO हैं सर? परी जी, CEO सिर्फ दुनिया के, आप तो हमें सिर्फ कल कैसे। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अरे नहीं परी जी, हम तो बस आपकी जिंदगी बनाना चाहते हैं। नहीं सर, वो सब पॉसिबल नहीं है। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। लगता है परी जी आप बुरा मान गई। हम तो आपसे बस दोस्ती करना चाहते हैं। देखिए सर, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और डॉक्टर केतन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो हम कहाँ आपकी शादी रोकना चाहते हैं? नहीं सर, मैं वैसे भी ये जॉब नहीं करना चाहती। ओके। करण चला जा, एंजॉय करते हैं। हेलो सुरेश जी। भाई आपने तो हमें बुलाया नहीं, हमने सोचा कि हम खुद ही चल के मुबारकबाद दे देते हैं। मुबारक हो। वेटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम प्यार करने वालों के नाम। प्यार के इस सफर में मिला है कोई नहीं प्यार की एक डगर। जिंदगी हर दम जिंदा दिल रहे, जिंदगी हर दम जिंदा दिल
की खबर। मिस्टर सुरेश, आप हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते? अरे आप लोग आइए, प्लीज बैठिए। आखिर हमने आपको पैसा दिया है। जी बैठिए आप लोग, मैं वही सुरेश ओबेराय हूँ जिसके पीछे पैसा लगाने के लिए आप लोग आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया? देखिए ये तो बिजनेस है, पैसा वहाँ लगाया जाता है जहाँ फायदा हो। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पैसे का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ मोहलत चाहिए। ठीक है सुरेश जी, आपको एक महीने का वक्त देता हूँ। एक महीने का? हेलो सर। अरे आइए आइए डॉक्टर केतन, प्लीज कम टू द सीट। बताइए सर, कोई खास काम?
अरे बैठिए तो सही, काम वाम तो होता ही रहता है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं सर, मुझे लगा कोई खास काम होगा। काम तो खास ही है डॉक्टर साहब। एक बात बताइए, क्या हॉस्पिटल की सैलरी में आपकी जिंदगी की गाड़ी चल जाती है? हाँ जितनी भी है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। ये सब तो दिल को झूठी तसल्ली देने वाली बात है। अब आप इसको जो चाहे समझ लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप चाहे तो यू नो व्हाट आई मीन, मैं आपके कुछ एक्स्ट्रा इनकम करवाने में मदद कर सकता हूँ। सोच लीजिए डॉक्टर साहब, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं ऐसा कोई मौका नहीं चाहता। ठीक है, एक बार सोच लो और टाइम ले लो। सोचूंगा सर, अभी मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये कुछ पेपर्स है, इसमें साइन चाहिए आपके और ये चेकबुक। थैंक यू सर। यार एक बात बता केतन, तू डॉक्टर है या जादूगर? हूं तो यार डॉक्टर ही, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे सीने में भी तो दिल है, आखिर हूं तो मैं इंसान ही ना। ला यार। और बता कैसी चल रही तेरी आजकल प्रैक्टिस? बस चल रही है, लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। चल एक एग्जाम हो जाए। काफी दिनों बाद पी रहा हूं। अच्छा एक बात बता, तूने शालिनी को कैसे बताया? अरे पूछ मत यार। केरला में MBBS करने के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा फिर क्या था, आंखें चार हुई और प्यार हुआ। क्या बात है, क्या बात है। पर मैं तुझे एक बात बताऊं यार, तू कुछ भी कहे, लड़की बड़ी जोरदार बताई है तुम्हें। यार उसे लड़की मत बोलो ना, वो तुम्हारे होने वाली भाभी है। अच्छा क्या बात, बुरा क्यों मानता है यार, भाभी सही। चल यार रात बहुत हो गई है, तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है भाई।
कमिश्नर। वेलकम कमिश्नर, वेलकम। कैसे हो करण साहब? बढ़िया, बैठिए। अरे करण साहब, आप इसी तरह हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखते रहेंगे। कमिश्नर साहब, ताकत को पाने के बाद आजमाने का नशा ही कुछ और होता है। कसम से, सत्तर सिंहासन का नशा ही अलग होता है। हाँ सही कह रहे हैं आप। कमिश्नर साहब, एक एक जाम उठाइए, मौसम का मूड बनाइए। एक क्यूब डॉक्टर केतन के नाम। चीयर्स। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। आप हमारा ऐसे ध्यान रखिए करण साहब, हम तो हमेशा आपके साथ हैं ही। आप भी हमारा ख्याल रखते रहिए कमिश्नर साहब, और देखते रहिए हम भी आपका जिंदगी भर ऐसे ख्याल रखते रहिए। गोविन, कमिश्नर साहब का मुंह मीठा कराया जाए। ठीक है कमिश्नर साहब। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया, शुक्रिया करण साहब, शुक्रिया, थैंक यू। जल्दी मिलेंगे दोबारा। जी जी बिल्कुल। May I come in? Coming. क्या हुआ? मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं। तुम कुछ तो गलत करने की सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज है। पर ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि सही और गलत क्या है, और वैसे भी इसका फैसला वक्त करेगा। हेलो। हेलो मिस्टर ओबेरॉय, तुम्हारी बर्बादी का अंतिम दौर शुरू हो गया। तुम्हारे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। छुड़ा सकते हो तो छुड़ा। क्या हुआ? कौन था फोन पर? हम बर्बाद हो गए। पुलिस ने हमारे बेटे केतन को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब करण की वजह से हो रहा है। पहले उसने मेरे बड़े बेटे को मरवा दिया, अब केतन को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया, और हमारी बेटी को हमारे खिलाफ कर दिया। ये करण, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। ये सब Thank you.
शशि 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 आंखें खोल शशि 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 आंखें खोलो शशि। केस की गंभीरता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, अदालत मुलजिम केतन को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजती है। थैंक यू मिलॉर्ड। करण को मैंने बच्चा समझा था, लेकिन भाई इस बार तो उसने हद ही कर दी। तो अब आप ही बताइए हम क्या करें, अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। भाभी ठीक ही कह रही हैं, अब तब तो सब ठीक था, लेकिन अब मैं सहन नहीं करूंगी। अब उसने मेरे बच्चे पर हाथ डाला है। अगर आप कहें तो एक बार उससे बात करके देखूं। वीरेंद्र सही कह रहा है बेटा, एक बार उसको समझा कर तो देख ले, है तो आखिर अपने परिवार का ही खून ना। ठीक है माँ, एक बार कोशिश करके देखता हूँ, शायद मान जाए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, जज साहब, यह है केतन के जमानत के पेपर्स। माय लॉर्ड, अभी पुलिस की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुलजिम को अभी जमानत नहीं दे सकते। जज साहब, जब 10 दिन के रिमांड में पुलिस इनसे कुछ नहीं पूछ पाई तो क्या इनके बूढ़े होने का इंतजार किया जा रहा है? सबूत है माय लॉर्ड, इसके लिए मैं मिस्टर करण को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हां तो मिस्टर करण, क्या आप डॉक्टर केतन को जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह। कैसे? ये हमारे हॉस्पिटल में एक सीनियर सर्जन थे। इनके खिलाफ मानव अंगों के अवैध व्यापार का इल्जाम है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जी हाँ, मैंने इनको इस बारे में समझाया था और इन्होंने मुझसे दोबारा न ऐसा करने का वायदा भी किया था, इसके बावजूद ये मेरे पीछे से ऐसा करते रहे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इससे ये साफ जाहिर होता है कि मिस्टर केतन मुजरिम हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिलॉर्ड, किसी एक आदमी के गवाही पर मेरे मुवक्किल को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता है। अपने मुवक्किल के बचाव में मैं कुछ गवाह को पेश करना चाहता हूं। इजाजत है? मेरा अगला गवाह है मिस्टर जगन्नाथ। मैं जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर जगन्नाथ, क्या यह सच है कि 16 जून की रात को आप कांदेवली के हवालात में बंद थे? जी सर। मिस्टर केतन के बड़े भाई को जान से मारने की सुपारी आपको किसने दी थी? जी हाँ सर। क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? हाँ सर मौजूद है। क्या उसे पहचान सकते हो? हाँ पहचान सकता हूँ सर। कौन है वो? वो जो सफेद कोट में बैठा है। मिलॉर्ड, इससे साबित होता है कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ एक साजिश रची गई थी। मैं अगले गवाह मिस्टर सुरेश ओबेरॉय को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। मिलॉर्ड, जैसा कि गवाह जगन्नाथ ने बताया, इनके बेटे की हत्या की सुपारी मिस्टर करण ने दी थी। इसके पीछे कोई साजिश? भाई अब तो सच बोल दे, कब तक चुप रहेगा? कुछ बोलते क्यों नहीं हो भाई तुम? सच बोल दो। We'll be right back.
आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। जज साहब, मैं करण को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? जज साहब, इस वक्त ये आदमी जो कटघरे में खड़ा है, ये बहुत ही शातिर और चालाक किस्म का इंसान है। ये जुर्म तो खुद करता है, मगर उसका इल्जाम दूसरों के सर पर डाल देता है। जी जज साहब, ये सारे गुनाह मैंने अपने होश और आवास में किए, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि इस जैसे हत्यारे को सबक सिखा करके मैंने अपने परिवार को श्रद्धांजलि दी है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ जज साहब, कि मेरे पिता ने क्या गुनाह किया था? प्यार किया था, शादी की थी, लेकिन इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा देने का हक इस हत्यारे को किसने दिया जज साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और यहाँ बैठे सभी लोगों से, आपसे, आपसे और आप सबसे, कि अगर आप में से मुझसे कोई एक होता तो क्या करता? इस जैसे हत्यारे को सजा देकर कौन सा गुनाह किया मैंने? इस जैसे हत्यारे को, गद्दार को सजा देकर बना मैं भाग्य विधाता हूं, मैं भाग्य विधाता। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मुकिल के साथ इंसाफ किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। अदालत ये मानती है कि मिस्टर करण और उनके परिवार के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन करण ओबेरॉय को किसी का भाग्य विधाता बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर केतन को निर्दोष मानती है और बाइज्जत बरी करती है, और पुलिस को हुक्म देती है कि मिस्टर करण को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। एंड कोर्ट इज एडजर्न्ड। तेरी तीसरियां तैस नैस हो जाता सब और हो जाता धुआं राख। जा कैलाश तूने भूमि बनाई, पर्वत भी तेरा कांप उठा, लगता भयानक तांडव करता। मेरा देव है निराला जैसे भांग का पियाला, इसे पी जाऊंगा जैसे कोई घुटकाने वाला। मैं तो गिरा गिरा बोले मुझे तूने ईसा माला, अब जपता रहूं तेरी माला कब तक? कुछ ऐसा भी तो होगा मेरे भोलेनाथ, आता होगा सीधा तुझ तक, अमरनाथ से कैलाश तक, केदारनाथ से बद्री तक। नशे में तेरे भंड होने का मार चुका हूँ अर्धशतक। अरे फूक फूक तेरा माल फूक गया के भी मेरी इल रही है, नशा तेरा सर चढ़ के बोले जग दुनिया ये इल रही है। परम पारे बुलाई बोला मेरे सर पे सवारे, बोले के बिना मेरा जीवन बेकारे। तेरे कंठ कंठ में विषय भरा और जैसे बोले तू मेरी नस में भरा, और जहाँ भी देखो मुझे लगे तू खड़ा, और मेरे लिए तो बस तू ही बड़ा। महादेव देव जटा से महादेव, नशे में आके मेरी हो गई लाल, चलता फिरता मैं बना बवाल, इधर गिरा कभी उधर गिरा, फिर भोलेनाथ अल्फा को संभाल। सुबह से लेकर हो गई शाम, कभी नशा तो कभी है भांग, आज आज का मौका इसको पी जाऊंगा नरम गरम। मेरा नशा ही धर्म, जब से इसे पिया मेरे मिट्टी है भरम। बोले बम को बुला के उसकी दूरी बना के, उसके ही नशे को सांसों में चढ़ा के, थोड़ा भटोट मिटा के थोड़ी भांग मिला के, पूरी दुनिया को बोले तेरे नशे में चढ़ा के, अजा दे कभी लू थोड़ी भांग बिका के, और भांग हो बोले तेरी सर पे चढ़ा के। बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले।